नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, PhD गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मंगल धनु लगन के 12 भावों में क्या क्या फल देगा विस्तार से बताता हूं। धनु लगन में मंगल 5th हाउस यानी त्रिकोण का स्वामी, 12th हाउस यानी 12वें भाव का स्वामी, 12वां भाव त्रिक भाव भी है, 12वां भाव सम भाव भी है। मंगल शुभ भावों का स्वामी होने के कारण जातक को उच्च शिक्षा, संतान, भूमि, जायदाद एवं विदेश यात्रा आदि का सुख प्रदान करेगा। धनु लगन में मंगल 1st हाउस में अपने मित्र गुरु की राशि में होता है। यह केंद्र त्रिकोण का संबंध है, यह राजयोग है। जातक धार्मिक स्वभाव का होता है, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होता है। संतान से सुख प्राप्त होता है। जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जमीन जायदाद मकान का सुख प्राप्त होगा। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। जातक धनवान भी बहुत होता है। लगन में मंगल यह मांगलिक दोष भी है। यदि सप्तमेश बुध पर अशुभ प्रभाव हो या नीच हो या बुध 6-8-12 त्रिक भावों में बैठा हो तो जातक के स्त्री सुख में कमी होगी। वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहेगा। धनु लगन में मंगल 2nd हाउस में अपनी उच्च राशि मकर राशि में होता है। यह धन योग है। जातक धनवान होगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा। जातक को संतान सुख बहुत प्राप्त होता है। संतान भी बुद्धिमान होती है, विद्वान होती है, बहुत प्रसिद्ध होती है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। वाणी में भी बहुत चतुराई होती है। थोड़ा क्रोधी जरूर होता है, जातक अपनी शिक्षा से, वाणी से धन कमाता है और धन संचय भी बहुत करता है। बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। धनु लगन में मंगल 3rd हाउस में कुंभ राशि में होता है। 3rd हाउस में मंगल के प्रभाव से जातक साहसी, पराक्रमी, मेहनती, ऊर्जावान होता है। जातक जल्दबाजी से कार्य करने वाला, पुरुषार्थ और अपने भुजबल से धन अर्जित करने वाला होता है। नए नए मित्र बनाने में कुशल होगा, लेकिन भाई बहनों के सुख में कमी होती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। संतान सुख भी बहुत अड़चनों के बाद ही प्राप्त होती है। कार्य, व्यवसाय और भाग्य में उतार चढ़ाव आते हैं। जातक को धर्म, योग, ज्योतिष, मंत्र आदि विद्याओं में अधिक रुचि होती है तथा टेक्निकल कार्यों में भी एक्सपर्ट होता है, सफल होता है। धनु लगन में 4th हाउस में मंगल अपने मित्र गुरु की मीन राशि में होता है। यह केंद्र त्रिकोण संबंध राजयोग है। जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है। मकान संपत्ति का सुख प्राप्त करता है। जातक को माता का भी सुख थोड़ा कम प्राप्त होता है। मानसिक अशांति रहती है। जातक का गृहस्थ जीवन के प्रति मन अशांत रहता है। 7th हाउस पर पंचमेश की दृष्टि से प्रेम विवाह की संभावना रहती है, लेकिन 7th हाउस या 7th लॉर्ड पर किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर देगा। पत्नी क्रोधी होती है, पार्टनरशिप में भी फेल हो जाते हैं। धनु लगन में मंगल 5th हाउस में अपनी शुभ राशि का होता है। जातक बुद्धिमान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जातक को संतान सुख भी प्राप्त होता है। संतान से भी सुख प्राप्त होगा। जातक बहुत मेहनती, साहसी होता है। भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं। जमीन जायदाद संपत्ति का बहुत सुख मिलता है। धन लाभ भी होता है। जातक बहुत धनवान होता है। जातक विदेशों से भी धन लाभ प्राप्त करता है। विदेशी यात्राएं भी बहुत अधिक होती हैं। धनु लगन में मंगल 6th हाउस में वृष राशि में होता है। 6th हाउस में मंगल के प्रभाव से जातक साहसी, पराक्रमी होता है, लेकिन जातक की शिक्षा में रुकावट होती है। मामा के सुख में कमी होती है। सेना, पुलिस, कोर्ट कचहरी आदि के कार्यों में सफल रहता है। संतान सुख में भी कमी रहती है।
यह विपरीत राजयोग भी है, जातक धनवान होगा लेकिन खर्चा आय से अधिक होता है, जातक विदेश यात्रा भी करता है। धनु लगन में मंगल सेवंथ हाउस में मिथुन राशि में होता है, यह मांगलिक दोष है, जातक के प्रेम विवाह की संभावना अधिक होती है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो शुभ फल देता है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है, संतान सुख स्त्री सुख प्राप्त होता है। लगन पर मंगल की दृष्टि से जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक की पत्नी भी क्रोधी स्वभाव की होती है। यदि सेवंथ हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है। जातक को प्रोफेशन में व्यवसाय में बाधाओं के बाद ही सफलता मिलती है। धनु लगन में मंगल एट्थ हाउस में अपनी नीच राशि कर्क राशि में होता है। जातक की शिक्षा में रुकावटें आती हैं, संतान होने में भी प्रॉब्लम आती है। एट्थ हाउस में मंगल मांगलिक दोष भी है, वैवाहिक सुख में बाधा आती है। यदि मंगल पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, भाई बहनों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। यह विपरीत राजयोग भी है। जातक को शरीर कष्ट होता है, पेट से संबंधित रोग होते हैं, घरेलू व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गुप्त रोग होने की भी संभावना रहती है, लेकिन फिर भी जातक धनवान होता है। धनु लगन में मंगल नाइन्थ हाउस में सिंह राशि में होता है। पंचमेश अपने से पंचम भाव यानी कि नवम भाव में बहुत शुभ फल देता है। ये भावाद भावम का नियम है। जातक बुद्धिमान स्वाभिमानी होता है। जातक हठी स्वभाव का होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। ज्योतिष योग मंत्र आदि गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला होता है। जातक धनवान होता है, विदेशी यात्राएं बहुत करता है। यदि लग्नेश या भाग्येश की दृष्टि नाइन्थ हाउस पर पड़े तो जातक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता भी बन सकता है। जातक के भाइयों से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, व्यवसाय नौकरी अच्छी होती है। जातक धनवान होता है, संतान से बहुत सुख प्राप्त होता है। धनु लगन में मंगल टेंथ हाउस में कन्या राशि में होता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो शुभ फल देता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, स्वाभिमानी होता है, अट्रैक्टिव बहुत होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, संतान से सुख प्राप्त होता है, भूमि मकान संपत्ति वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक को उच्च पद प्राप्त होता है। मंगल टेंथ हाउस में दिग्बली होता है। जातक को सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। धनु लगन में मंगल इलेवेंथ हाउस में तुला राशि में होता है। जातक साहसी पराक्रमी होता है, एम्बिशियस बहुत होता है, कामुक भी बहुत होता है, वाणी प्रभावशाली होती है। जातक न्यायप्रिय होता है, भाई बहनों का संतान से सबसे अच्छे संबंध होते हैं तथा अच्छा सहयोग भी मिलता है, मकान संपत्ति वाहन सुख भी प्राप्त होता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है। लॉटरी शेयर सट्टा जुआ जमीन जायदाद के कामों में लाभ भी बहुत मिलता है। ज्योतिष धर्म मंत्र तंत्र में भी जातक की रुचि अधिक होती है। धनु लगन में मंगल ट्वेल्थ हाउस में अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में होता है। जातक स्वाभिमानी होता है, चंचल तेज स्वभाव का उग्र स्वभाव का होता है। जातक की उच्च शिक्षा में बाधा आती है, भाई बहनों के सुख में भी कमी होती है, ये मांगलिक दोष है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है, विदेशों से या विदेशियों से संबंध हो तो जातक को धन लाभ अधिक होता है, विदेशी यात्राएं भी बहुत करता है, संतान घर से दूर रहती है। नमस्कार।